रोजगार न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, आज इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के घोषणा पत्र की। पूरा देश एक तरफ छोटी दीपावली मना रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनावी समर है वो अपने चरम पर है और राजनीति भी खूब हो रही है। तमाम जो दिग्गज हैं त्योहार के बीच ही लगातार ताल ठोक रहे हैं, लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं और बीजेपी ने आज अपना मध्य प्रदेश को लेकर के संकल्प पत्र जारी कर दिया। तो जेपी नड्डा ने ये संकल्प पत्र जारी किया, प्रदेश के तमाम नेता थे वो मौजूद थे, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या ज्योतिराज सिंधिया हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो। खास तौर पर जेपी नड्डा पहुंचे थे और ये उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया और इसकी खास बातें क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। 2700 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदने का वादा किया गया है, यानी कि एक बड़ा दांव। इसके अलावा जो धान है वो 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया गया। अपने आप में एक बड़ा दावा, एक बड़ी बात और किसानों को एक बड़ी राहत मिल सकती है 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जाएगा। तो ग्वालियर जबलपुर में मेट्रो चलाने का भी इसमें वादा किया गया है, तो 6 नए एक्सप्रेस वे भी बनाने का वादा आगे 5 सालों में किया गया है। वहीं गरीब कल्याण योजना में चीनी और तेल भी देने का वादा, यानी कि जो गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है उस मुफ्त राशन में चीनी और तेल भी ऐड कर दिया गया है। वहीं 1 लाख लाडली बहनों को पक्के मकान देने का भी वादा है। तो लाडली बहनों को खास फोकस, उनको पैसा तो दिया ही जा रहा है, लगातार उनको सहायता राशि दी जा रही है, उनको और दूसरी तरीके से जो फायदा और उनको सुविधा पहुंचाई जा सकती है उसका भी जिक्र किया जा रहा है। और ये खास तौर पर एक बड़ा बयान हो सकता है, बड़ा ऐलान हो सकता है कि लाडली बहनों को पक्के मकान देने की भी कोशिश होगी। 1 लाख लाडली बहनों को 5 सालों के अंदर मकान दिया जाएगा, पक्का मकान। तो ये अपने आप में बहुत अहम और खास ऐलान। खास बात यह कि कांग्रेस के भी वचन पत्र में बहुत सी ऐसी बातें, हर वर्ग को साधने की कोशिश और हर वर्ग को साधने के साथ साथ खास तौर पर फोकस जो है वो नौजवानों पर, किसानों पर, इसके अलावा महिलाओं पर कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में नजर आया था और बीजेपी के संकल्प पत्र में भी यही बातें फिलहाल दिखाई दे रही हैं। जहां तक शिक्षा का सवाल है, हम फ्री एजुकेशन टू ऑल पुअर फैमिलीज 12वीं तक करेंगे, इस बात को भी हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में दोहराया है। और हर एक डिवीजन में हम मध्य प्रदेश में एक हमारा जो ITI है उसको भी हम खोलने का प्रयास करेंगे। और उसी तरीके से IIT और उसी तरीके से मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के आधार पर वह भी हम डेवलप करेंगे। जहां तक हमारे किसान भाइयों का सवाल है, गेहूं की परचेज हम प्रति क्विंटल 2700 में प्रति क्विंटल करेंगे और धान का परचेज हम 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे। और हम जो 12000 एनुअली बेनिफिशियरी किसान सम्मान निधि में दे रहे हैं उसको किस मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो बीजेपी के इस घोषणा पत्र में क्या खास है, और जब छत्तीसगढ़ में बात होती है तो मोदी की गारंटी की बात होती है, तो मध्य प्रदेश में जब यह कहा जाता है कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, तो फिर यहां पर क्या गारंटी दी जानी थी यह कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन संकल्प पत्र नाम दिया गया है। इस पर जरा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या खास है इसमें, क्या ऐलान है, कैसे सभी वर्गों को साधने की कोशिश है, इस पर भी जरा हम बातचीत करेंगे। और इसके लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है मेरे साथ, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता है ब्रजगोपाल लोया जी। ब्रजगोपाल जी आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी मौजूद है मेरे साथ, प्रदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा ग्राउंड पर भी मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल मौजूद है, जरा उनके पास भी चलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ग्राउंड का ही रुख करते हैं। अतुल मैं आपके पास आ रहा हूं कि बीजेपी का घोषणा पत्र, कई बातें इसमें, एक तरफ बगल में छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी, लेकिन यहां पर संकल्प पत्र का नाम दिया गया। कहा तो जा रहा था कि प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो गारंटी की बात बार बार कर रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, लेकिन संकल्प पत्र नाम दिया गया घोषणा पत्र का। कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की तरह होगा, क्या अभी तक फीडबैक है और क्या अहम बातें ये भी बताइए।
ठीक है ठीक है ठीक है। अतुल आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, शायद आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं आपके पास जरा लौटता हूं, आप उस ऑडियो को ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं और बृजगोपाल लोया जी के पास चलते हैं। बृजगोपाल जी, यही बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि घोषणा पत्र किन मायनों में खास है आपका, जरा बताएं दर्शकों को। पहले मैं आपको उस प्रश्न का जवाब दे दूं जो आपने अपने साथी से किया था कि बिल्कुल दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। हमने इसका जो टैगलाइन रखा है वो टैगलाइन ही है कि मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा। और जो खास है वो मैं आपको बताता हूँ। खास ये है कि हमने केवल भविष्य का संकल्प पत्र नहीं बताया है, हमने भूतकाल में जो किया है वो भी बताया है, वर्तमान में जो कर रहे हैं वो भी बताया है, और जो आने वाले समय में करेंगे वो भी बताया है। और केवल हमने जन कल्याण अकेले को नहीं बताया, जन कल्याण के साथ मध्य प्रदेश का विकास किस तरह होगा उसे बताने का काम भी किया है। हमने ये बताया है कि मध्य प्रदेशों के जो किसान हैं उनका गेहूं हम 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। हमने ये बताने का काम किया है कि आने वाले समय में जो धान है उसे हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। जो तेंदू पत्ता है उसका प्रति मानक बोरा आदिवासी समुदाय के भाइयों से हम 4000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदेंगे। हम मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को पक्का मकान देने का काम करेंगे, और उनको जो हमारी लाडली बहनें ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं उनको आत्मनिर्भर कर उन्हें लखपति बनाने का काम करेंगे। हम ग्वालियर में और जबलपुर में मेट्रो की शुरुआत करेंगे। हम मध्य प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे बनाएंगे। एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश के हर विकास खंड में एक अस्पताल बने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अटल मेडिसिटी में हम 20,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करके वहां सर्व सुविधा युक्त मेडिकल सेंटर बनाने का काम करेंगे। और खास बात जो है आज जेपी नड्डा जी ने कही है कि केवल घोषणा करने से कुछ नहीं होता, हमें अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है वो अकाउंटेबिलिटी की है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि वादे करना और बातों से मुकर जाना, उन्हें भूल जाना और उसको आगे बढ़ जाना और नए वादे करना। बृजगोपाल जी, लेकिन कांग्रेस भी अपना सिर्फ घोषणा पत्र नहीं कर रही है, आप जो कह रहे हैं ना वादे करके भूल जाना आगे बढ़ जाना, वो कह रहे हैं वचन है, हमारा वचन पत्र जारी किया है। वचन दिया था ना कि 10 दिन के अंदर 2 लाख तक के कर्ज माफ करेंगे, वचन दिया था ना 16 महीने में, क्या वचन दिया था ना कि 4000 बेरोजगार युवाओं को हम प्रतिमाह देंगे, क्या किसी को मध्य प्रदेश में दिया? आपने वादा किया था कि हम महिला सहायता समूह का 1 लाख का कर्ज माफ करेंगे, क्या आपने किया? आपने वादा किया था कि हम 51,000 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में देंगे, परंतु क्या दिया? नहीं दिया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता क्या है कि हमारी 4 पीढ़ी पहले के नेतागण जो नारा लगाते थे उस नारे को जब हम सरकार में होते हैं तब भी उसको पूरा करने का काम करते हैं। सौभाग्य हमारा कि हमें उस नारे के 65 साल बाद सरकार बनाने का अवसर मिला। चलिए तो यही बात ठीक है, आपने अपनी बात कही बृजगोपाल जी, ठीक है आपने अपनी बात कही, मैं आ रहा हूँ। रवि सक्सेना जी भी है हमारे साथ, महासचिव है एमपी कांग्रेस के, वो भी जुड़ चुके हैं। रवि जी आपका भी बहुत स्वागत। अतुल मैं आपके पास आऊँ उससे पहले रवि सक्सेना जी आप ही से समझना चाहूंगा, आपने बृजगोपाल लोया जी का जवाब भी सुना, उनके घोषणा पत्र में क्या बातें हैं वो भी सुना, और ये कह रहे हैं कि हम पहले क्या किया है, क्या कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, सब बताया है। आपकी तरह नहीं सिर्फ वादे करें और वादा खिलाफी करके आगे बढ़ जाए, जवाब आपका क्या है, आप क्या देख रहे हैं? मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जब भाजपा के लोग आकर इस तरह का यहाँ पर प्रलाप करते हैं, जिनके मुख्यमंत्री की 18 साल की 22,827 घोषणाएं अधूरी पड़ी है, जो सरकार जो है 4 लाख करोड़ का कर्जा कर चुकी है इस मध्य प्रदेश में, वो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रही है और बड़ी देर कर दी मेहरबानी आते आते। आप जो संकल्प पत्र लेके आए हैं, अरे भैया संकल्प का तो मतलब ही ये होता है, हिंदू सनातन अगर पद्धति में अगर आप देखें तो संकल्प लेके उसको छोड़ा जाता है। तो इनका काम ही है कि हम तो झूठ बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे और तब तक बोलेंगे जब तक कि वो उसका संकल्प जो है हम छोड़ना दे। तो ये तो यही काम करने वाले लोग हैं, इनको कोई काम है नहीं, इनका कोई विजन है नहीं, इनकी कोई आप मैं बस नहीं रवि सक्सेना जी, मैं दो चीज समझना चाहूंगा आपके भी तमाम वादे। जब मैंने उनसे पूछा बृजगोपाल जी से तो उन्होंने बताया कि क्या क्या आपने पिछली बार घोषणाएं की थी 15-16 महीने में, वो पूरी नहीं हुई, तो उस पर भी जरा जवाब दे दी, क्योंकि ये जवाब आना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप कहते हैं कि हमने कर्ज माफ किया था, हमने तमाम चीजें क्रियान्वित की थी, लेकिन ये कहते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया।
दूसरी तरफ ये कि जब तमाम बातें कही जा रही हैं, आपने कहा कि कोई चीज पूरी नहीं होती है, 18 सालों में 22,000 से ज्यादा घोषणाएं अधूरी हैं, तो लाडली बहनों को कितना फायदा मिल रहा है या फिर जो दूसरे वर्ग हैं उनको कितना साधने की इस वक्त कोशिश हो रही है, आप देख रहे हैं ना? नहीं, मैं केवल आपसे एक बात सबक कहना चाहता हूँ कि लाडली बहना की जो बात कर रहे हैं ये तो कांग्रेस पार्टी की नकल है। माननीय कमलनाथ जी ने जब कहा कि हम 1500 रुपए नारी सम्मान के रुपए देंगे हम अपनी आधी आबादी को, तो इनके हाथों के तोते उड़ गए। तो ये कहने लगे हम 1000 देंगे, फिर कहने लगे हम 1250 देंगे। अरे भाई, 18 साल से तुम मध्य प्रदेश में शासन कर रहे हो, 18 साल में गोपाल जी आता हूँ, मात्र 3 महीने पहले याद आई लाडली लक्ष्मी, उनका जवाब लेके आपके पास आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे मुझे मैं ये पूरी बात करनी, आपने इतने सवाल पूछे, मैंने नहीं, नहीं, मैं आप ही से आप ही का जवाब ले रहा हूँ। ब्रजगोपाल जी हाथ उठा रहे हैं तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि मैं अभी आता हूँ आपके पास। रवि जी आप पूरी कीजिए बात। जी जी, दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, चाहे आप देख रहे अतिथि शिक्षकों से लेके और हमारे उच्च शिक्षा विभाग के विद्वान शिक्षकों को ले लें, आप कर्मचारियों को ले लें, आप अगर आदिवासियों को ले लें, आप कोई भी वर्ग को ले लें, आप दलित वर्ग को ले लें, हर जगह घोषणाएं की पर कोई भी पूरी नहीं की। नहीं, लेकिन अगर ऐसा ठगा ही गया रवि जी, अगर इतना ठगा गया तो फिर हर बार जो है जनता का विश्वास कैसे था और बार बार वोट क्यों पड़ रहे थे? पिछली बार भी सरकार आपकी बनी लेकिन वोट प्रतिशत उनका ज्यादा था, इतना वोट क्यों दे रही जनता पे? इतने बड़े एंकर हैं, आपको मालूम है 2018 में जनता ने इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैंने वही तो आपको, मछली की तरह तड़प रहे थे सत्ता के लिए। रवि जी, मेरी बात तो आपने सुनी होगी ना, इतने दिन में जो पैसा कमाया था जो भ्रष्टाचार से, घपलों से, घोटालों से, उससे खरीदी फरोख्त चालू कर दी इन्होंने, तो लोकतंत्र की छाती में छुरा भोंक दिया। ब्रजगोपाल जी बड़े बेचैन हो रहे हैं जवाब देने के लिए आपका, बहुत देर से आप लगातार जो बातें कह रहे थे, तो ब्रजगोपाल जी जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। तवन जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। 18 साल का हमने हिसाब भी जनता के सामने प्रस्तुत किया है और इन्हें अरे भाई कब किया जरा बता दो, कब किया? अरे भाई ब्रजगोपाल जी झूठ मत बोलिए, बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जीवन भर बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कृपया विनम्रता के साथ। नहीं नहीं, लेकिन ब्रजगोपाल जी विनम्रता के साथ साथ ये धमकी ठीक नहीं है ना? कब किया भाई? ना ना, ब्रजगोपाल जी रवि जी ब्रजगोपाल जी, रवि सक्सेना, एक सेकंड, दोनों लोग रुक जाइए। और ब्रजगोपाल जी, विनम्रता की अपील के साथ ये धमकी ठीक नहीं है ना? ऐसे मत बोलिए कि जीवन भर बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा, ये शब्द जो है टीवी पर मर्यादित नहीं लगते हैं और इस तरह से बोलना भी नहीं चाहिए बिना टीवी के। साउद भाई, साउद जी, मैं हर मर्यादा का पालन करता हूँ। मैंने रोका ना, देखिए जब हाथ आप उठा रहे थे तब भी मैंने आपको रोका कि रवि जी की बात पूरी हो जाए, और रवि जी जब बोल रहे थे तो मैं उनको रोकता, थोड़ा मुझे भी अपना काम करने दीजिए। मैं बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा कर बात रखी। आपने देखा होगा कि आपके रवि भाई ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। 56 साल जो मध्य प्रदेश की सरकार में रहे उसका हिसाब नहीं देंगे, 65 साल देश की सरकार में रहे उसका हिसाब नहीं देंगे। रवि जी सुन लीजिए, मैं जवाब दूंगा आपसे ना, जवाब लूंगा। रवि जी देखिए, आप तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं और बहुत गंभीर आदमी है, जवाब ले लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, मैं आपसे बड़ी देखिए, मैं इनको भी चुनौती पूर्वक कहता हूँ, बड़ी विनम्रता की हमारी चुनौती है कि आप बार बार ये कहते हैं कि 22,000 घोषणाएं अधूरी हैं। पिछली बार 2020 में जो बात कही वो लगता है आपको चुभ गई, लेकिन 2020 में तो सत्ता परिवर्तित हुई। टीवी चैनल पर बैठकर ये झूठ ना बोले, 22 घोषणाएं ऐसी बता दे जो हमारी अधूरी है, मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं दोनों के पास आ जाऊंगा। इतनी देर से आप दोनों के पास हूं, मैं आ जाऊंगा, जवाब ले लेता हूं। ये जो रोज रंग बदलते हैं, ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं, आप दोनों के पास आ जाऊंगा, लेकिन जरा मैं ग्राउंडपुर और प्रदीप मिश्रा जी भी, प्रदीप तिवारी जी भी जुड़े हुए, उन दोनों के पास चलता हूं। अतुल, पहले आपके पास आ रहा हूं, मुझे बताइए जो मैं सवाल पूछ रहा था आपसे और अभी पहला रिएक्शन क्या नजर आ रहा है घोषणा पत्र में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस
बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से सोचा और समझा जा रहा था कि बीजेपी जब अपना संकल्प पत्र लाएगी तो तमाम वर्गों के लिए कुछ न कुछ उस पिटारा से जरूर निकलेगा, और हुआ भी कुछ यही है। किसानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, कानून व्यवस्था के भी क्षेत्र में तमाम जगह कुछ न कुछ अपनी बातें रखी है और ये कहा है कि आने वाले 5 साल का रोड मैप ये रहेगा। हालांकि देखिए मुख्य रूप से हम जिस तरीके से समझ रहे थे कि लाडली बहना योजना को लेकर कुछ बड़ा जिस तरीके से पिछले कुछ समय से देख रहे थे 3,000 रुपए तक का ऐलान जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, हालांकि जिस तरीके से जो संकल्प पत्र है उसमें उसका जिक्र मेरे को फिलहाल पढ़ने में नहीं आया। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि लाडली बहनों को लखपति के साथ साथ, जो ग्रामीण बहनें हैं उनको लखपति के साथ साथ उनको आवास भी मुहैया करा जाएगा, लेकिन वो 3,000 रुपए की जो जिक्र था वो कहीं ना कहीं संकल्प पत्र में मुझे दिखा नहीं। इसके अलावा इतर में अगर देखूं, देखिए जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर बेहतर घोषणाएं करी गई है, जिस तरीके से एम्स के तर्ज में हर जो है विकासखंड में हॉस्पिटल खोलने की बात की गई है, इसके साथ में एक बड़ा अमाउंट जो है स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए जो है उन्होंने दिया गया है, इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण देखिए मध्यप्रदेश में हम देख रहे थे कि जिस तरीके से युवाओं का यह मानना था कि मध्यप्रदेश में रोजगार जो है एक बड़ी समस्या है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस पूरी बात को भांपते हुए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यही कहा है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी या निजी तौर पर उनको नौकरी दी जाएगी, यानी प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिलवाने की प्रयास किया जाएगा, यानी कि एक बड़ी समस्या के ऊपर कहीं ना कहीं इंकित प्रदेश सरकार ने किया और उसका सॉल्यूशन भी सामने दिया है। हालांकि देखिए इसके अलावा अगर हम देखें तो एकलव्य महाविद्यालय विद्यालय खोलने की बात की है, शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करने की बात की गई है, इसके साथ में अगर हम देखें तो एक्सप्रेस वे लगभग 4 बनाने की भी बात की गई है, कहीं ना कहीं सड़क को लेकर जिक्र करते हुए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखे, उन्होंने 2003 का भी जिक्र किया इस विषय पे कि 2003 के पहले मध्यप्रदेश में सड़कों क्या हालात थे और अब क्या हालात हो गए हैं। हालांकि देखिए दोनों ही दल अपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये भी बात रख रहे हैं कि जनता के बीच में पहुंचे, अपनी बात रखें, अपनी भरोसा किसका है, किस पर। प्रदीप तिवारी जी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, प्रदीप जी माफी के साथ थोड़ा लेट से आ रहा हूं, लेकिन आपका एनालिसिस क्या, आपने दोनों लोगों को सुना भी, रवि जी को भी सुन रहे थे, ब्रज गोपाल जी को भी सुन रहे थे, आपका क्या एनालिसिस है कि क्या खास है बीजेपी के घोषणा पत्र में और क्या खास है कांग्रेस में, किस पर भरोसा ज्यादा करें? देखिए जिस तरह से बीजेपी ने आज ये संकल्प पत्र जारी किया है, पहले तो मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत सारी चीजें किसानों को लेकर बात करेगी सरकार, लेकिन जी इस किसान पत्र में आप देखें तो 2700 रुपए किसानों को साधने की जो व्यवस्था की गई है, वो 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की जो खरीदारी की बात कही गई है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है, एक बड़ा बड़ी योजना है। दूसरी जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का MSP तय करने की बात बीजेपी ने कहा है, तो ये भी बड़ा फैसला है। कारण यह है कि अभी आप देखें तो सरकार के पास वैसे भी खजाने की कई बार सरकार को पैसे लेने, उधार पैसे लेने पड़ रहे हैं, तो इस स्थिति से निपटने के बाद भी अगर बीजेपी ने ये घोषणा की है कि हम आने वाले समय में इस रेट पे MSP तय करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो छात्र बच्चों को, हम कई बार आपसे कहते रहे हैं कि इस मुद्दे पर बीजेपी हमेशा बात करेगी, तो वो शिक्षा को लेके जो गरीब बच्चे हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको 1 से लेकर 12 तक की योजना में छूट दी गई है कि हम इनको इनसे फीस नहीं लेंगे और इनको मुफ्त शिक्षा देंगे, तो ये एक बड़ा फैसला। इस तरह के कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जो है इस संकल्प पत्र में आए हैं और ये देखने को भी मिल रहे हैं कि अगर इस तरह के फैसले आने वाले समय में सरकार अगर इनकी बनती है और ये लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर आम आदमी जो है इसको एक लाभ होने वाला है। लेकिन आप ये देखें कि कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है, कांग्रेस का भी जो संकल्प पत्र है, कांग्रेस ने सबसे पहले ही गारंटी दे दी है। कांग्रेस ने ये कहा कि हम लाडली बहना, आपने ये आप लाडली बहना 1250 रुपए दे रहे हो, हम आने वाले समय में 3000 देंगे। तो बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें कांग्रेस ने भी कही है, लेकिन बीजेपी का जो संकल्प पत्र है इसमें वास्तव में 12-15 ऐसे बड़े फैसले हैं जो कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं जनता को, और वो ये प्रयास है इसमें कि वो जनता को हम साथ ले वो आने वाले समय में। बड़ी बात आपने कही सर, लेकिन ब्रज गोपाल जी से मैं पूछ लूं कि सर इतने लोक लुभावन वादे आपने किए हैं, फंड की बार बार बात कही जा रही है और रवि भी जी यही कह रहे हैं कि आप इतना कर्ज में डूबो चुके, इसके लिए पैसे कहां से आएंगे, इसका भी कोई रोडमैप है क्या, या जनता को बताएंगे या जरूरी नहीं समझते? देखिए दो तरह है, हम मध्य प्रदेश के कल्याण और मध्य प्रदेश के विकास के लिए ऋण लिया है और यह हम गर्व के साथ कहते हैं, इसमें हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। हम आंकड़ों की हेरा फेरी करने वाले लोग नहीं है कि किस तरह राजस्थान ने 6 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया परंतु मध्य प्रदेश पर अगर 3 लाख करोड़ का कर्ज है तो वो गलत है, राजस्थान पर 6 लाख करोड़ का उचित है। हम वो झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। हम मध्य प्रदेश का
का बजट भी हमने उसी अनुपात में बढ़ाया है। एक समय था जब मध्य प्रदेश के बजट से मध्य प्रदेश का कर्ज दुगना था, तो आज मध्य प्रदेश का बजट और कर्ज बराबर है। मैं फिर से कहता हूँ अनुपातिक रूप से वो भी कम है। और एक बात और आपसे कहता हूँ, दिग्विजय सिंह के जमाने में हम 23.2% हिस्सा अपने राजस्व का ब्याज की अदायगी में देते थे, आज मध्य प्रदेश 16.8% बाहर आया। ठीक है, रवि जी से इस पर जवाब लेते, ये एक अहम पॉइंट है, मैं इस पर आना चाह रहा था। इस आंकड़े पर मध्य प्रदेश, उसी के कारण तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से जवाब ले लेता हूँ, क्योंकि समय फिर नहीं बचेगा। रवि जी इस पर जवाब दे दीजिए, ये कर्ज को लेकर के बड़ी बात है, क्योंकि देखिए घोषणा पत्र तो क्या क्या है हम लगातार चला भी रहे हैं कि किसानों को कैसा साधा जा रहा है, महिलाओं को, और आपने भी क्या क्या कहा, हमने सब चलाया। इस एक प्रश्न का जवाब आपके पास क्या है? नहीं देखिए, इन्होंने 4 लाख करोड़ को 3 लाख करोड़ कर दिया। एक तो लोया जी पढ़ लिख के तो आप और आके यहाँ पर कुछ भी आंकड़े देना चालू कर देते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 22,000 करोड़ रुपया केवल ब्याज का भरना है हर वर्ष, और आप देखें कि इनकी जो GDP की दर है वो लगातार मध्य प्रदेश में गिरती जा रही है। इनकी सारी योजनाओं को पर कैपिटा इनकम का जिक्र आज खासतौर पर जेपी नड्डा जी ने किया। नहीं देखिए साहू जी छोटा सा इंटरेस्ट आमदनी 2 रुपया को 13 लाख की जीडीपी में जाना क्या गिरावट है? आपके बात का जवाब ले लूं जरा रवि जी से, फिर उसके बाद देखता हूं अगर आपके पास आ पाया तो। मैं रवि जी जल्दी से बात पूरी कंप्लीट कर ले, अगर कुछ ये कह रहा हूं कि आमदनी 98 और खर्चा 5 रुपया। अच्छा, आज की पहले तो होता था कि भैया आमदनी 98 खर्चा रुपया। ठीक है सर, तो मतलब ये है कि ये परिस्थिति है, इससे कैसे पूरे करेंगे वादे, ये एक परिस्थिति। आप एक बात कह रहे हैं और ब्रजगोपाल जी कह रहे हैं कि नहीं हमने उसको बैलेंस किया हुआ है। ब्रजगोपाल जी माफी के साथ आ नहीं पाऊंगा क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। रवि जी आपके पास भी अब नहीं आ पाऊंगा, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अतुल भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि अब दोनों के वादे, दोनों के वचन